1988 में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के समस्त लेखपाल दूसरे दिन भी धरने पर डटे रहे। साथ ही मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए जमकर नारेबाजी की है। मऊरानीपुर तहसील परिसर में लेखपाल संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश निरंजन ने बताया कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से तहसील स्तर से प्रदेश स्तर तक चलाया जाएगा। लेखपालों ने एक स्वर में कहा है कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, नहीं तो लेखपाल संघ संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देंगे। तहसील परिसर में आयोजित धरना में ओम प्रकाश निरंजन, जिला अध्यक्ष तेज सिंह पटेल, तहसील मंत्री कालीचरण यादव तहसील अध्यक्ष के साथ सुभाष चौबे, गजेंद्र पटेल, अमित खरे, करण शर्मा, देवी दयाल, शिशुपाल सिंह, पुष्पेंद्र वर्मा, राजेंद्र सिंह, राहुल, शुभम, निगम, ज्ञानेंद्र, मोहन, रामपाल सिंह, अंकित, रंजीत, जितेंद्र, कल्याण सिंह, अमित विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार, नरेंद्र मोहन, अमित पटेल, सनी रेकवार, कौशल किशोर, राम सहाय तिवारी, आशु आदि लेखपाल मौजूद रहे। ओम प्रकाश निरंजन, किन मांगों को लेकर बैठे हैं आप? लेखपाल संघ की 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आधार पर कार्य बहिष्कार, संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर हम लोग बैठे हैं। कब से बैठे हैं? 10 तारीख से संपूर्ण कार्य बहिष्कार है। इसके पूर्व में 5 नवंबर से 28 नवंबर तक चरणबद्ध आंदोलन था, जिस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। इसके बाद 1/12/2019 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रांतीय नेतृत्व के आधार पर दिनांक 10 से लेकर 12 तक तहसील स्तर पर और 13 से 26 तक जिला स्तर पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है। इसके बाद 27 दिसंबर को संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लेखपाल विधानसभा का घेराव करें। कालीचरण यादव, तहसील अध्यक्ष मऊरानीपुर। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक आंदोलन बराबर जारी रहेगा। वेतन विसंगति, पदोन्नत वेतनमान, ग्रेड पे 2800, ऐसी सभी मांगे हैं जो अध्यक्ष जी ने पूर्व में बता दी हैं। जब तक मांगे नहीं माने जाए, जब तो हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। हाँ हाँ, तेज सिंह पटेल, तहसील मंत्री। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो इसके बाद आगे की विधानसभा का घेराव है और कलमबन हड़ताल तो जारी ही है, और जो भी संभव होगा उसमें करेंगे। मेरा नाम नीलेश दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष, यूनाइटेड ब्यूरो ऑफ ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल। बताइए, आज आप यहाँ क्या करने का कार्यक्रम? आज हम लोग विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाने आए हुए हैं। गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को कुछ जलपान देने आए हैं, कुछ कपड़े भी देने आए हैं, ताकि लोगों को अपनी कुछ सहायता हो सके लोगों की। लगभग कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? ये लगभग एक साल से हमारे संगठन का ही गठन हुआ है और ये लगभग 14 राज्यों में कार्य कर रहा है। और आज तक हमारे संगठन ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 200 मामले मानव अधिकार से जुड़े हुए निपटाए हैं।